नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिक बिहार में चुनावी समर लगातार जारी है कोरोना काल में ये बिहार में विधानसभा चुनाव को भी आयोजित किया गया है और बिहार में विधानसभा चुनाव के दो चरण अब खत्म हो चुके हैं और तीसरे और आखिरी चरण का मतदान अभी बाकी है वही आपको बता दें कि हसनपुर में हसनपुर विधानसभा में भी विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान हुआ था जहां पर इस बार हसनपुर से आरजेडी के प्रत्याशी खुद बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव है और तेज प्रताप यादव ने दूसरे चरण के मतदान के बाद मीडिया से खास बातचीत की पटना के एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा है कि दो चरण में लगातार बढ़िया समर्थन मिला है महागठबंधन को और इसी तरह तीसरे चरण में भी महागठबंधन को बिहार की जनता सपोर्ट करेगी साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष को घेरा नीतीश सरकार पर घेराव किया है साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा तेज प्रताप यादव ने इस वीडियो में आप सुनिए और बिहार में विकास की गंगा ये बताइए आप चुनाव प्रचार से लौटे बहेगी क्या क्या आशा और उम्मीद है आ? क्या आशा और उम्मीद है पूरा आशा उम्मीद है जिस तरीके पहला चरण का हुआ उस तरीके से दूसरा चरण का भी अच्छा हुआ और थर्ड फेज का भी होगा वो अच्छा होगा तो सुना आपने किस तरह तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि दो चरण के मतदान में महागठबंधन को बेहतर जो है वो बेहतर रिस्पांस मिला है तो अब तीसरे चरण में भी बेहतर ही रिस्पांस मिलेगा अब ये बेहतर रिस्पांस तीसरे चरण में मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो आने वाला तीसरा चरण का मतदान ही बताएगा साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दो चरण के मतदान खत्म हो गए बिहार में और एक आखिरी चरण का मतदान सात नवंबर को अभी बाकी है और दस नवंबर को बिहार में पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी आखिर किस राजनीतिक दल की बिहार में सरकार बनने जा रही है यह 10 नवंबर को ही बिहार की जनता चुनेगी फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत देखते रहिए नेशनल न्यूज धन्यवाद